जय माँ विंध्यवासिनी। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य अमित सुरेश पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ भाग्योदय। 2024 में वृषभ राशि वालों पर किस ग्रह का साया रहने वाला है और कौन सा ग्रह वृषभ राशि को सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाने वाला है, ये सब बताऊंगा मैं आपको आज भाग्योदय में। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि वृषभ राशि वालों का 2024 का राशिफल बताने वाला हूँ मैं आज इस कार्यक्रम में। साल 2024 में वृषभ राशि पर बुध शुक्र ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ रही है। वर्ष की शुरुआत जब हो रही है तो वृषभ राशि पे साल 2024 में बुध शुभ ग्रह है और शुक्र शुभ ग्रह है और दोनों की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से वृषभ राशि के लोगों को सफलता सुविधा प्राप्त होने वाले हैं। निर्वाह के लिए जो धन आपको चाहिए, जो आपको पैसे चाहिए, वह आय के साधन आपको वर्ष 2024 में जरूर प्राप्त होंगे। अब गोचर की बात करते हैं कि ग्रहों का गोचर किस तरह से आपकी राशि को प्रभावित करेगा साल 2024 में। तो बता दूं आपको, 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक जो आपके राशि स्वामी हैं वृषभ राशि के शुक्रदेव, वह आपकी राशि से आठवें रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसे में इस कालखंड में सेहत को लेकर के सावधानी रखें, सेहत को ख़राब कर सकती है ग्रह स्थिति आपको। 11 फरवरी तक खास करके जो महिला वर्ग के हैं वृषभ राशि के लोग, उनके लिए सेहत की दृष्टि से यह समय ठीक नहीं है। बहुत खास ख्याल रखें अपने सेहत का, यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक आपका राशि स्वामी शुक्र अपने उच्च राशि अर्थात मीन राशि में जाएगा, जिससे आपको अत्यधिक धन लाभ, व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। साल 2024 में गुरु आपकी राशि में गोचर कर रहा है 30 अप्रैल के बाद, जिसका प्रभाव क्या दिखाई देगा भाई, जिसके प्रभाव से देश विदेश की यात्राएं होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च पद प्रतिष्ठा पर बैठे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। 19 मई से लेकर के जो शुक्र की स्थिति दिखाई देती है वह आपकी राशि पे संचार करने की होती है, मतलब आपकी ही राशि पे राशि स्वामी आ जाएंगे, जिसका प्रभाव क्या होगा, जिसके प्रभाव से धन लाभ होगा, सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो आप करना चाहते हैं, जैसे कोई आपकी मनोकामना है, वह करने में भी सफल रहेंगे। 24 अगस्त से शुक्र नीच राशि में चला जाएगा। अब यहाँ आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह समय आपके लिए ठीक नहीं है और यह केतु युक्त रहेगा। एक तो नीच राशि में, दूसरा केतु के साथ इसका संचार करना, यह कहीं न कहीं अचानक से मानसिक दुख का कारण बनेगा आपके लिए, तनाव का सामना करना पड़ सकता है। खास करके ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र जो प्रतिस्पर्धा प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे थे किसी सरकारी परीक्षा का, सरकारी सेवा का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ऐसे छात्रों को कई तरह के विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब इन बाधाओं से बचने के लिए आपको मैं उपाय भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि वृषभ राशि के कौन से ग्रह लाभ देते हैं, कौन से ग्रह उनके लिए उतने फेवरेबल नहीं होते हैं। तो आपको बता दूं कि वृषभ राशि के लिए शुक्र ग्रह सबसे अच्छा माना जाता है, दूसरा शनि ग्रह सबसे अच्छा माना जाता है। तो शुक्र चूंकि आपके लग्न का स्वामी है, तो शुक्र जब उच्च का होगा, जब वृषभ राशि का होगा, जब तुला राशि का होगा, तब आपके जीवन में सकारात्मकता का वातावरण होगा, चारों तरफ आपको प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यही जब कन्या राशि का हो जाएगा शुक्र, तो आपके लिए स्थितियां आपके विपरीत हो जाएंगी, स्थितियां आपका साथ नहीं देंगी। इसके अलावा शनि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है साल 2024 में, क्योंकि अभी शनि देव आपके दशम भाव, जीविका भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में जब शनि का गोचर होता है तो आपको बता दूं कि नौकरी नहीं छूटती है, नौकरी अगर कोई दिक्कत में है, कोई समस्या में है, तो ऐसे रास्ते बन जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं जीवन में, वो नौकरी आपकी बच जाती है। नौकरी जीविका के लिहाज से साल 2024 वृषभ राशि के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन जो नीच राशि के जब सूर्य शुक्र जाएंगे तो आपको क्या उपाय करना है वो बता देता हूँ। आपको दो उपाय करने हैं वर्ष भर। पहला उपाय क्या करना है, प्रत्येक शुक्रवार को दुर्गा जी की पूजा करें, माँ दुर्गा जगदम्बा की आराधना आपके लिए लाभकारी होगी।
छोटी कन्याएं जो कि दुर्गा की ही स्वरूपा कही जाती हैं, विद्या समस्ता तव देवभेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत सु, संसार के समस्त स्त्रियों में जगदम्बा हैं। तो ऐसे में छोटी कन्याओं को कुछ खाद्य सामग्री प्रदान करें, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें और उनका पैर छू करके आप आशीर्वाद लें। अगर ये उपाय करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर कर सकते हैं तो श्री सूक्त के मंत्रों से देसी घी से आहुति दें। श्री सूक्त के मंत्र क्या है? हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। यह श्री सूक्त का पहला मंत्र है। और आखिरी मंत्र यह सुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादाजमनोहम सुक्तम पंचदशम च श्री काम सप्तम जपेत। दूसरा उपाय क्या करना है? शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में दीपक जलाएं, लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन करें, क्योंकि शुक्र की जो अधिष्ठात्री माँ देवी हैं वो महालक्ष्मी हैं। तो शुक्र को ठीक रखने के लिए महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। माँ विंध्यवासिनी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। साल 2024 आपके लिए बहुत सुखद हो, शुभद हो। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।